सर वंस मोर थैंक यू मंदिर से रस्ते पकड़ो ना थोड़ा हो गया यहाँ पे वो सब डुप्लीकेट है मैम फुल लेफ्ट लेफ्ट मैम इंदी थोड़ा इधर आइए अभी थोड़ा इधर थोड़ा कम बस 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 Thank you.
खाली इधर कुछ कर लेना। खतरों के खिलाड़ी ऐसी जर्नी थी जो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। बहुत मज़ा आया, जेन्युइनली बहुत मज़ा आया। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मैं मुंबई से बाहर अगर जाता हूँ तो काम के लिए ही जाता हूँ। खतरों के खिलाड़ी में मैं काम के लिए ही बाहर गया, बट साथ ही साथ मुझे एक मौका मिला अपार्ट फ्रॉम डांसिंग, कोरियोग्राफी एंड जजिंग कुछ दूसरा करने के लिए। तो बहुत रिफ्रेशिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि जितने लोग डांस बैकग्राउंड से आए इस शो में पिछले सीजन में, सब ने अच्छा परफॉर्म किया, तो प्रेशर था, अच्छा परफॉर्म करना था। एंड आई थिंक आई हैव डन अ डीसेंट गुड जॉब। ओके, बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, बहुत सारे अपने दोस्त भी थे, तो उनके सामने कैसा एक्सपीरियंस था और कितना खतरों से भरा हुआ था पूरा? मैं एक्चुअली सिर्फ भारती को जानता था पर्सनली, ये शो स्टार्ट होने से पहले आदित्य को एक बार मिला था, बाकी सबसे मैं कभी मिला नहीं था। पर 40-45 दिन साथ में बिताना तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए, इतने अच्छे हो गए कि बॉम्बे में आने के बाद भी हम लोग काफ़ी बार मिले हैं। तो बहुत अच्छा रहा, बिकॉज़ अगर ऐसी जर्नी में दोस्त ना हो तो सपोर्ट नहीं मिलता, अगर सपोर्ट ना मिले तो आपको पुश नहीं मिलता, अगर आपको पुश नहीं मिले तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो इम्पॉर्टेंट है दोस्त रहना खतरों के खिलाड़ी में, और मुझे, मैं लकी था मुझे इतने सारे अच्छे दोस्त मिले। कितना चैलेंजिंग था, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के सारे स्टंट्स होते हैं, वो होते हैं, काफी डेंजरस भी होते हैं, तो आपके लिए कितना था? बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज मैं पहले से जानता था, करने के बाद मैं जानता हूँ फॉर श्योर कि खतरों के खिलाड़ी इज़ नॉट अबाउट फिजिकल बट मेंटल स्ट्रेंथ। आप मेंटली अगर उस स्पेस पे हो और आप अच्छी तरह से फोकस हो तो आप हर एक स्टंट ऐसे कर पाओगे। तो यही है, खतरों से खेलना था, खेल के आए हैं, दिमाग को ठंड रखा है, ठंडी रख के आए हैं क्योंकि ठंडी भी बहुत थी। बट वी मैनेज टू डू, आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी गुड सीजन, बिकॉज बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे स्टंट्स थे जो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, मज़ा आया। मोर इम्पॉर्टेंट इट्स मेमरी, मैं अच्छा करूँ या नहीं करूँ स्टंट में, पर वो स्टंट कैसा, पूरा जो प्रोसेस होता है आपको दिखता है 5 मिनट, पर उसके पहले 2-3 घंटे की जो तैयारी है, जो ब्रीफिंग है, वो सब है। तो रोहित सर शूट में, आप टेलीकास्ट में देखते हो रोहित सर एक्सप्लेन करता है, सीधा हम स्टंट कर रहे हैं। रोहित सर के एक्सप्लेनेशन के बाद जो पूरा प्रोसेस है वो मुझे बहुत याद रहेगा, मुझे बहुत अच्छा रहेगा। एंड एक स्टंट था जहाँ पे ऐसे हवे में उठाया है, एक प्लेटफॉर्म है, केबल में लगा है, मतलब हवे में है, आप इधर ऊपर हो, इधर दस, मतलब 40 फ्लैग्स हैं, आप इधर हो बीच में, आपको जाना है, फ्लैग उठाना है और बीच में चिपकाना है, इतना सिंपल। नहीं, ये इतना हवे में रहेगा पूरे टाइम, ऐसे होते रहेगा, और चेस बोर्ड होता है ना ब्लैक वाइट, तो इमेजिन ऑल द वाइट्स ज़मीन है, तो खोखले हॉलो है, सो ऑल्टरनेट देयर वर होल्स पूरा, एंड बारिश, तो एक्चुअल वाटर टू बी फॉलन। तो ऐसा ऐसा हो रहा है, गिर रहे हो, मर रहे हो, पड़ रहे हो, बहुत डिफिकल्ट था। ऐसे हर एक स्टंट के पीछे बहुत बहुत कहानी है। ओके, कंपटीशन की बात करिए तो आपको सबसे ज्यादा टफ और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कौन है? लड़कियों में आई थिंक भारती डिड अ वेरी गुड जॉब, रिधिमा ने बहुत अच्छा किया सरप्राइजिंगली, शमिता, एंड बॉयज में अली एंड आदि। रोहित सर कंपटीशन में नहीं थे? अच्छा, रोहित सर मुझे बहुत पसंद है, मैंने जस्ट खतरों के पहले एक सीज़न किया था, एक शो किया था जहाँ पे वो बतौर जज थे और मैं बिहाइंड द सीन स्टेज डायरेक्टर था, तो वहाँ से इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ। एंड नसीब ये था कि उसके बाद इमीडिएटली कुछ दिनों में मैं अर्जेंटीना में उनके साथ था। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही हम्बल है, अगर वो शो में नहीं रहते तो ये शो नहीं हो पाएगा, और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बिकॉज ही इज़ अ एक्चुअल फादर फिगर हु कैन शाउट एट यू विद ऑल कर, मतलब हक से सपोर्ट करते हैं, हक से मॉरल पुश करते हैं, सपोर्ट करते हैं, डांटते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं, संभालते हैं, जो हर एक इंसान चाहता है ना अपने पिता से, तो खतरों के खिलाड़ी के पिता रोहित सर है, विद ऑल ड्यू क्रेडिट। ओके, लास्ट वीक क्या कहना चाहिए किसको? मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ट्यून इन टू कलर्स 5th January से सैटरडे संडे 9 बजे, प्लीज़ ट्यून इन टू कलर्स 5th January से सैटरडे संडे 9 बजे, हम आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, रोहित सर आ रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी आ रहे हैं खतरों से खेलने के लिए। सो मेक श्योर यू एंजॉय, बिकॉज हमें बहुत मज़ा आया, सो यू गाइस विल एंजॉय फॉर श्योर। थैंक यू। तो गुड लुकिंग होता जा रहा है, कैसे स्किन और साफ कर ले अपनी? नाइस। हाँ, ये वाला? ओके सर।
यार ये बहुत ही मेमोरेबल जर्नी रही है, बिकॉज ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने इस जर्नी के दौरान करी हैं वो कोई और नहीं कर सकता, कहीं और मिल ही नहीं सकते। अब कहाँ जाओगे तुम सांपों से खेलने के लिए, अपना हाथ तो डालोगे नहीं इलेक्ट्रिसिटी में कि अरे शॉक कैसा लगता है देखते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें करी हैं इतनी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कि सारी हदें जो हमने सोचा था, आई थिंक मैं अपनी बात ही नहीं करूँगा सबकी करूँगा, सब ने अपने हाथों को जितना पुश कर सकते थे उतना किया है। इन्वेट मेरे लिए यार जानवर और पानी बहुत टफ रहा है हमेशा से, बिकॉज मेरे को स्विमिंग आती नहीं है और जानवरों के साथ तो हम कभी खेले नहीं है, है ना। तो ये दो लोग, दो चीज़ें मेरे लिए अनजान रही हैं हमेशा, तो उनको जाना है मैंने इस जर्नी के दौरान। जानवरों से तो जान पहचान हो गई, लेकिन पानी से अभी भी दूर रहता हूँ, बिकॉज आई फील इट्स काइंड ऑफ स्कैरी। यार मैं जब गया था तो मुझे लगा था आपको डर से जीतना है, लेकिन ये सही नहीं है। ये मानसिक और शारीरिक, इट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल गेम, यू हैव टू बी स्ट्रांग बोथ वाइज, एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। ओके, सबसे ज्यादा डर कौन से स्टंट में लगता? अरे मेरे को सब स्टंट में डर लगता था। मतलब देयर आर स्टंट्स वेयर यू आर जंपिंग फ्रॉम समवेयर, पर सबसे ज्यादा कहां फटती थी आई विल टेल यू। देखो पानी ऊपर से, वहां है पीक विंटर, और पीक विंटर में बोलो माइनस टू पानी में गिरो तुम ना, दिल्ली में लोग ना पॉटी करने के बाद साफ नहीं करना चाहते पानी से, बिकॉज इतनी ठंड होती है, और यहाँ पर आप जा रहे हो पानी के अंदर विच इज़ माइनस टू डिग्री। आई थिंक इट इज़ फॉरगेट एनीथिंग एल्स, मतलब यार आपको फिर भी एक पल के लिए आप सांप उठा लोगे, पर वो ठंडे पानी में वहाँ रह के टास्क करना बहुत स्कैरी होता है, वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्कैरी। या मेरे को नहीं लग रहा था मैं कभी भी जीतूंगा, तो मेरे को ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं था। आई ऑलवेज लव्ड, सी आई लाइक आई टेल यू नो, नॉट एवरी वन कैन विन एवरी थिंग, एवरी वन हैज़ देयर स्ट्रेंथ, सो फॉर मी इट वॉज ऑलवेज ट्राई टू डू एज मच एज आई कैन, एंड फॉर मी इफ यू आस्क मी नो, भारती हैज़ बीन एन अमेजिंग अमेजिंग इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ अ गर्ल हु माइट नॉट बी फिजिकली फिट कम्प्लीटली, बट हाउ ब्यूटिफुली हैज शी प्लेड, आपको देखना होगा उसकी जर्नी। पुनीत एंड आदित्य आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, दोनों फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, और एक्सपीरियंस ना ऑलवेज हेल्प्स इन लाइफ, सो आई थिंक दैट हैज़ बीन देयर। यू विल सी माई जर्नी, यू विल लाइक द जर्नी दैट आई हैव डन, या एक्सेप्ट द फैक्ट कि मेरे वो कंधे की चोट थी जिसकी वजह से आई वॉज नॉट टेलिंग देम, बिकॉज उन्होंने डिस्क्वालीफाई हो जाते, फिर वैसे ही पकड़ा गया मैं इंजेक्शन से, तो फिर डिस्क्वालीफाई हो गया, फिर उसके बाद घर जाकर मेरी झाड़ पड़ी, और अभी जब एपिसोड देखेंगे तो रिश्तेदार भी और फ्रेंड्स भी बोलेंगे और फैंस भी बोलेंगे क्यों किया आपने, क्या हो सकता था, बट एक्चुअली मेरी गलती थी। I should not, I could have done next season, but I think learning it, and I will learn from that. Okay, Rohit se kitne tips aur kitna kya kya? I think Rohit Shetty is one of the most important reason why this show works, because Rohit sir kya karte hai na, he will scold you at the time when you need to be scolded, he will give you a hug at the time when you need the hug, aur jis waqt aap abort karne wale hote ho, us waqt wo aapko jo encourage karte hai na, jaise kuch contestants jo ki abort karte karte bhi na, they have won the stunt because Rohit sir has cheered you up in the right way, so I think that's the right balance, and for a show like this, perfection. Okay, lastly, kya kehna chahenge aapke fans se? Thank you. Your love is the reason why I do a lot of stuff. I didn't think I would ever be doing things like this, but I am thankful, and I really would love you guys to watch and see the entire journey, because we, all of us, have crossed our limits to do what we didn't think we would be able to, but we did, and it's important. Danish is no more, and I still am grappling with that, so I do not know how to react to this right now. I went and saw him, and that was the last time I would ever see him, so mujhe pata nahi abhi main kaise react karu, ye mere liye wo waqt thoda sa अच्छा नहीं है, बिकॉज मैं सोया नहीं हूँ रात भर, उसके बाद सीधे यहाँ पर आया हूँ। अभी मैं जाऊँगा अपने घर वापस, जहाँ वहाँ बाकी हाउस गेस्ट हैं, मुझे उनको भी बताना है, तो अभी अभी मुझे पता नहीं कैसे रिएक्ट करना चाहिए। थैंक यू। वेल ये जर्नी ये जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त रही, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी चीज़ें जिनका डर था उन्हें ओवरकम किया है, नए दोस्त बनाए हैं, एक नई कंट्री देखी, सो बहुत मज़ा आया।
ऑनेस्टली बहुत टफ है ये जर्नी, और स्पेशली जो लोग अगर फिट नहीं है, यानी कि मैं खुद भी अगर जिम जाती हूँ दैट इज़ नॉट इनफ. इस गेम के लिए आपको मेंटली भी फिट होना ज़रूरी है और आपको फिजिकली भी फिट होना ज़रूरी है. सो काफ़ी चीज़ें टेस्ट की जाती है, आपकी टेस्टिंग योर लिमिट्स जिसे कहते हैं. ये गेम ही कॉम्पिटिशन है, इसमें इसके अलावा कुछ था ही नहीं. और यहाँ पर इट्स नॉट लाइक हम अगर दोस्त भी बनाते थे लेकिन जब एक दूसरे के ऑपोजिट आते थे तो दोस्ती भूल कर हमें वो स्टंट्स करके जीतना होता था ताकि हम एलिमिनेशन टास्क में ना पहुँचे. सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए जो स्टंट रहा था वो सांप का था, जब पहली बार मुझ पर सांप डाले गए थे. बिकॉज सांपों का फोबिया है मुझे, जब मैं ऐसे मतलब टीवी पर भी अगर सांप देख लूँ तो मैं चैनल झट से बदल देती थी. तो जब मुझे पहली बार नाम अनाउंस हुआ कि आज सांप का स्टंट करेंगी रिधिमा, मतलब रोना रुक नहीं रहा था, चिल्लाना रुक नहीं रहा था, पर फिर पता चला कि सांप सबसे बेस्ट है. तो मतलब इतने स्वीट से ऐसे ही बस घूमते हैं, कुछ नहीं करते, बहुत प्यारे हैं. तो अब सांपों से मेरी दोस्ती हो गई है. कॉकरोच ने बहुत परेशान किया. आदित्य बहुत टफ कंटेस्टेंट है. इन गर्ल्स आई थिंक शमिता वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इवन जैस्मिन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड भारती तो सरप्राइज पैकेज है, जो स्टंट्स भारती ने किए तो वह तो हम सब भी नहीं कर पाते थे भाई, मज़ा आ गया. बाकी लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मतलब रिधिमा हमारे लिए सरप्राइज पैकेज है, उन्होंने मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सारे कलीग्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज जो जिस तरीके से हौसला अफजाई होती है वहाँ पर, उसके बिना आप स्टंट्स कर ही नहीं सकते. तो सरप्राइज पैकेज तो हम सभी थे, क्योंकि हम में से किसी को नहीं लगता था कि हम ये स्टंट्स कर पाएंगे. तो अगर मेरे कलीग्स बोल रहे कि मैं सरप्राइज पैकेज थी तो आई एम वेरी हैप्पी, और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. हेलो, अभी हम लोग डेली मिल रहे हैं तो आप लोगों को भी याद दिला दूं कि सिम्बा का नहीं है अपना खतरों के खिलाड़ी, और आप लोग मेरे को भी याद दिला दो ऐसा नहीं बोल दो रणवीर ने क्या स्टंट किया था. तो हम लोग खतरों के खिलाड़ी पर टिके रहेंगे, नहीं तो जो आवाज़ आया ना वो हम सबके पैसे काट देगी. आवाज़ आई नहीं ना लोग बहुत खतरनाक लगी. एनीवेज, खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 जिगर पे ट्रिगर एक अलग ही शो है, हम सब जानते हैं. ना सेट है, ना एसी फ्लोर है, और आई थिंक वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट शोज है इंडियन टेलीविजन पे, जो हर साल लेके आते हैं हम लोग कलर्स की टीम के साथ. सो इस साल भी आ रहे हैं, साल की शुरुआत में आएंगे, 5 जनवरी को ये शो शुरू होगा आफ्टर बिग बॉस. एंड जिस तरह से पिछला सीजन गया था जो कि बहुत ही अच्छा गया था, एंड ये सीजन भी मेरे हिसाब से उससे बेहतर जाना चाहिए. जिस तरह का काम हम लोग सब करके आए अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना में ये हुआ था कुछ दिन पहले, हमने शूट किया था ऐसा. एंड अगर आप लोगों को पिछला सीज़न पसंद आया है तो अगला सीज़न उससे ज़्यादा पसंद आएगा. एंड आई थिंक एक म्यूजिक वीडियो है वो लॉन्च करना है हमें, उससे पहले कंटेस्टेंट्स को बुलाना है, क्या करना है, पहले सबको बुलाएंगे. ओके, तो जितने खिलाड़ी हैं 3 नहीं हैं, एक अभी भी बिग बॉस के घर में कैद है श्रीशांत,
और एक शबिता जो है वो ट्रैवल कर रही हैं, अभी का भी शायद ट्रैवल करी, बाकी सारे यहीं हैं, तो मैं उनको बुलाता हूँ बारी बारी। आइए प्लीज, आइए आइए। तो ये जो आ रहे हैं भोले भाले, तो इनको हमने कहा था कि हम आप लोगों को अर्जेंटीना ले जा रहे हैं, इनको पता नहीं था इनके साथ वहाँ क्या होने वाला है। ये देखो ये आ गए, आए आए आए, सारे आ गए। इसमें से तीन लोग मिसिंग हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक कैद है अभी एक बॉस के घर में, एंड दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बाकी ये सारे हैं। और मुझे तो बहुत मजा आया। इनको पूछ लो आप लोगों, इनके साथ क्या होगा, ये कॉमेडी कोई कभी रोते हुए देखा है आप लोगों ने भारती को? नहीं ना। भारती कुछ कहना है? रोते हुए इन्होंने देखा, रो के चिल्लाते हुए नहीं कभी देखा, और कभी कभी ऐसे स्टंट होते थे कि इतनी गंदे मोबाइल में गए, फिर याद आता था ये तो टीवी पे आना है, पर तब भी वो सही नहीं होता था क्योंकि स्टंट ही इतना खतरनाक होता था। लेकिन बहुत अलग एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू लिया, बोला कि आप अब सांप पकड़ सकते हो, तो मैंने बोला इधर का सांप थोड़ी पकड़ सकते हो, क्योंकि उधर तो सेफ्टी थी और उनमें जहर नहीं था और बहुत सारे इंतजाम थे, लेकिन इधर नहीं। और आज बाय द वे माइक आपको पकड़ना है। सॉरी, आपकी तो फिल्म भी रिलीज होने वाली है ना। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और वो पति के साथ, चैनल हमेशा झांसे में फंसाता है, पागल तेरी शादी हुई है, हस्बैंड के साथ कर, हनीमून भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कोई ना हनी था ना मून था, आपस में एक दूसरे से नफरत हो गई थी हमें। पहली बार मैंने अपने पति को रोते और चिल्लाते हाथ जोड़ते देखा, क्योंकि अगर शादी से पहले मम्मी देख लेती तो शायद लड़की ना देती, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हर्ष अब भी उसको लगता पीछे से सांप लाएंगे और गले में डाल देंगे। नमस्कार, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, ऐसा बोलना पड़ता है, बहुत बैंड बजी, बहुत चोटें लगी, बहुत रातें सोई नहीं, और नहीं बट ऑनेस्टली एक ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार से ज़्यादा आप इसे एक्सपीरियंस करना भी नहीं चाहेंगे। बहुत मज़ा आया, बहुत सारे दोस्त बने, और बहुत अच्छा टेलीविजन हमने बनाया है, बहुत हंसे हैं, बहुत रोए हैं, बहुत गिड़गिड़ाए हैं। साथ ही साथ आई वुड लाइक टू थैंक एंड ऑल कलर्स, अर्जेंटीना की स्टंट क्रू एंड रोहित सर, जिन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा और कभी हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम इतने ज़्यादा खतरे में थे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। एंड ओवर टू एवरीवन। हाय, इट हैज़ बीन एन आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया करने में, जैसे कि आदि ने कहा, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रोहित सर का, कि मुझे अभी तक रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर कि पहला स्टैंड था, मुझे बहुत ऊंचाई से कूदना आता है, रोहित सर का मुझे सिर्फ शक्ल नज़र, उन सर की शक्ल नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं पहली बार सर को देख रहा था, और मैं देख रहा था, सोच रहा था यार मुझसे भी लंबा कोई इंसान हो सकता है, सर लंबे थे। सो आई थिंक तुम्हें छोड़ के यार, मैं सर की हाइट का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था मुझे, बट इट्स बीन रियली नाइस, थैंक यू सो मच सर, बहुत मोटिवेटिंग। देखो क्या है ना, इनको लगता है कि मैं एनकरेज करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा अलग चलता है कि स्टंट में इतना खर्चा किया करो सालों। तो ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में वो चलता रहता है कि टीवी पे फुटेज क्या दिखाएंगे, इतना खर्चा कर रहे हैं ये सब, जाके वहाँ खड़े हैं, इनको लाए इतनी दूर। बताते थे सर कि यार ऑडिशन बहुत खर्चा हुआ है तुम लोगों के ऊपर, तुम लोग प्लीज स्टंट पूरा कर लो, हमें कुछ दिखा नहीं। So, but thank you Kanoj team for approaching me. I mean, I just wish ki mujhe, I'm just cherishing those moments ki mujhe yaad hai ki jo maine ek mahine pehle, do mahine pehle kiya Khatron ke khiladi mein, jo main nahi kar paya, kaash main wo kar pata. So I'm just cherishing those moments back, and thank you Kanoj team for approaching me for Khatron ke khiladi. Halanki main bachpan se karna chahta tha, bachpan se bahut pehle se dekh raha tha, bahut pehle se. So thank you so much. Do saath mein नहीं, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए आपस में, हम लोग घुल मिल के रहे 14 days भी बोलना चाहिए, बहुत लंबी लाइन है। ओवर टू हर्ष। ये राइटर है, ये लिख के दे देंगे आप पढ़ लेंगे। नहीं, बहुत मजा आया, बहुत डर भी लगा, और अभी तक चीखे मेरे कानों में गूंज रही है अपनी, मतलब
सीरियसली बहुत डर लगा था अभी, मतलब अभी तक मैं फुल स्लीव पहन के, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते सोच सोच के बहुत, लेकिन सर ने बहुत इंकरेज किया सबको और थैंक यू सो मच। शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगी क्योंकि मुझे रोहित सर की साइड आई मिल रही है। पूरे शो में मुझे कहा जाता था कि जल्दी बोलो, फास्ट करो, स्टंट भी जल्दी जल्दी करो। एंड खतरों के खिलाड़ी फॉर मी इज रोहित सर, बिकॉज जो हौसला अफजाई उन्होंने हमारे लिए की और हम सबसे एक दूसरे के लिए करवाई है, उसके बिना स्टंट्स कर पाना बहुत मुश्किल होता था। एंड लव यू रोहित सर, थैंक यू सो मच। First of all, thank you Endemol and thank you Colors for making me a part of this show. ये लोगों बोला कि बोलने के पैसे नहीं हैं। नहीं, सच्ची बोल रही हूँ सर, क्योंकि क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। Those 45 days I think were the best days of 2018 that I've had. And thank you Rohit sir, because I know I was very difficult. और आप जिस तरीके से मुझे प्यार से समझा बुझा के धकेल देते थे उसके लिए थैंक यू सो मच, बिकॉज मैं जहाँ तक पहुँची आई गिव ऑल द क्रेडिट टू यू एंड लोड्स ऑफ रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मुझे प्यार से नहीं समझा रोहित सर ने, मुझे बहुत गालियाँ पड़ी हैं। आई थिंक सर मैं अपना बोल रहा हूँ कि मुझे कितनी गालियाँ पड़ी है उतनी किसी को नहीं पड़ी, पता नहीं क्यों, बट इनकी गाली की वजह से ही सब पूरा हुआ। एंड आई थिंक मैं तो दिखता ऐसा हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ, तो मैं बहुत डरता था। काफ़ी ताने भी सुने हैं बट ठीक है, काफ़ी लोगों ने ताने भी दिए मुझे ऐसी तो हाँ, लेकिन बहुत मज़ा आया, काफ़ी डिफरेंट था। इतने साल से ड्रामा कर करके रियलिटी देखने का कुछ अलग ही मज़ा था। एंड सर सब बोल रहे हैं, सर मेरे से भी थैंक यू सो मच, आपने हाइट का डर निकाल दिया मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, पानी का नहीं निकला सर, थैंक यू सो मच। सबने सब कुछ ही बोल दिया ऑलमोस्ट, बट मैं ये बोलूँगा यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा अगर डांट किसी को यहाँ पड़ी है तो मुझे पड़ी है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ मैंने करी हैं। और थैंक यू शीतल फॉर फसाइंग मी ऑन खतरों। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि हर्ष ने बोला और जैन ने बोला कि जितनी बार भी कोई डरता है, जहाँ काइंड ऑफ इंकरेजमेंट समवन हैज गॉटन, जहाँ ज़रूरत होती है डांट की वहाँ डांट पड़ती है, और जहाँ ज़रूरत होती है हक की वहाँ हक भी मिलता है फ्रॉम रोहित सर। एंड आई थिंक दैट्स दैट्स गले लगने की बात कर रहे हैं, गले लगने की बात कर रहा हूँ, स्पेशल गला लगना। आई थिंक दैट्स व्हाट इट मेक्स अस टुगेदर। एंड आई थिंक वो जो हमने साथ में जो टॉर्चर एडवेंचर सहा है वो विल ऑलवेज बी गोइंग टू कीप अस टुगेदर, बिकॉज वो मेमोरी जो होती है ना बहुत ही खतरनाक होती है। हेलो एवरीवन, तो थैंक यू सबको, जिन जिनका नाम लिया सबको थैंक यू। आई पर्सनली बिलीव खतरों के खिलाड़ी जैसा शो नहीं है, एंड वी आर हियर स्टैंडिंग टू से दैट, क्योंकि वी आर वॉचिंग फॉर इट। और खतरों के खिलाड़ी जैसा शो बना है इज बिकॉज ऑफ दिस मैन कॉल्ड रोहित शेट्टी सर, बिकॉज वो एक्चुअली ही इज द फादर फिगर। एंड डांटना, संभालना, गाइड करना, गिराना, गाली देना, उठाना, पुश करना, गाइड कर एवरीथिंग। एंड मतलब आपको 20% दिखेगा ऑन कैमरा, 80% ऑफ कैमरा जो सर आपने सपोर्ट किया है, एंड एवरी वन बिहाइंड दिस शो, बिकॉज बहुत ही प्रोफेशनल शो है। एंड हम लोग सब अपनी मुंबई अपने अपने लैविश लाइफ को छोड़ के हेयर मेकअप वैनिटी प्यार भरा वो क्या सब भूल गए, हम लोग का एक्चुअल सर्वाइवल, हम लोग चीखे हैं, गिरे हैं, रोए हैं, बहुत बहुत गंदी हालत में दिखेंगे, पर एक्चुअल हमारा इनर सेल्फ दिखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस डू दिस एंड एक्सपीरियंस दिस, सो थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक नाउ एक हम सब ने मिलकर, खास करके आई थिंक पुरीत ने डायरेक्ट किया है और बाकी सारे भी हैं इसमें, सारे मतलब जितने हो सकते थे उस दिन, एक एल्बम बनाया है, एल्बम शूट किया है हमने, एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट एल्बम नाउ। एंड हम सब साइड में हट जाते हैं, हमारी बकवास हम लोगों ने बहुत सुन ली और पता चल रहा है बोर हो रहे हैं आप सबसे ज़्यादा, आगे बढ़ना है डेली भी यही है। परसों भी मिला था सिम्बा बोल रहा था आज खतरों के खिलाड़ी, ठीक है हम लोग हट जाते हैं, आप एंटरटेन हो जाइए फिर वापस आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ो थोड़ा पीछे ना।
प्लान है? खूब प्लान है। अच्छा चलो खाना लग गया है। ओके। अरे रुक जाओ भाई, अरे नहीं हुए तब तक ओके ओके करके बोलते हैं। विकास सर थोड़ा सा लेते हैं या थैंक यू। चलो प्लीज एंड वन थिंग प्लीज डिसाइड हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चंस ओनली 5 क्वेश्चंस एंड आई कट ऑफ 5 क्वेश्चंस whoever wants to decide it now 5 questions and I'll cut rolling ha bhai kon puch rahe okay rohit sabse pehle to kaisa tha is baar argentina ka super khatro khiladi jis tarike se humne bataya ki sab bahut zyada nervous hai nervous the aapse aapke kehna chahenge iske bare mein nahi actually hota ye hai ki hum log ko experience hai hum itne saal se kar rahe hain stunts kar rahe hain fir ye show bhi kar rahe hain और कंटेस्टेंट्स जब आते हैं तो उन्होंने टीवी पे देखा हुआ होता है और सारे ही एक्टर्स हैं, स्टंट आर्टिस्ट तो है नहीं, सो वो डर तो रहता ही उनमें। एंड कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो, वो उन्हें करना पड़ता है। तो मेरा काम वहीं आता है कि उनको उनका हौसला अफजाई करूँ, उनको इनक्रेज करूँ और देखूँ कि वो स्टंट करें एंड एट द सेम टाइम ये भी देखें कि वो सेफ़ हैं। सो नहीं ये देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मतलब जैसे एक टैग दिया गया रियलिटी शो, ये वाकई में एक रियलिटी शो है क्योंकि यहाँ पे जो है जो कुछ हो रहा है वो रियल है। सो होता ये है कि एवरीडे एक नया टास्क होता है, एवरीडे किसी का आज दिन अच्छा गया तो कल वो ख़राब जाएगा स्टंट के हिसाब से। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये बहुत ख़राब था या ये बहुत अच्छा था, एवरीडे सबको कुछ ना कोई नया खतरा फेस करना था। आप सेंटर में आओ ना, आप लोग सवाल पूछ रहे हो तो मेरा लुक इधर रहेगा, है ना भाई? आइए इधर आइए, आओ ना इधर आओ ना, तुम लोग दो ही लोग सवाल पूछने वाले। अच्छा पूरे ओके। रोहित सर वेदर ने कितना सपोर्ट किया? वेदर ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, मतलब हमने -1 डिग्री और -2 डिग्री में भी रात में स्टंट्स किए हैं, ठंडी थी ऑब्वियसली अर्जेंटीना में उस वक्त, तो वेदर का इतना सपोर्ट नहीं था। एंड यही फिर मज़ा है खतरों के खिलाड़ी का, हर साल जैसे पहले भी हम जब केप टाउन गए थे तो बारिश मिली थी हमें, बारिश में हमने फिनाले का एक स्टंट किया था। तो कई बार ऐसा होता है कि एक हमने खुद एक टास्क सोचा हुआ है उस पर ऊपर वाला एक टास्क ले आता है तो उसे भी निभाना पड़ता है हमें उसमें भी। बट जो एक बात है जो पहले के सीजन्स में भी रही और इस बार भी है कि चाहे वो -1 डिग्री हुआ हो बट जो गए थे सारे हमारे आर्टिस्ट उन्होंने स्टंट परफॉर्म किया, ऐसा नहीं था कि वेदर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो हमें स्टंट नहीं करना है, इतनी ठंड हो गई हमें नहीं करना है, मतलब। और ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि मैं ठंड में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको अरेंज कर इनक्रेज कर सकता हूँ, उनको मैं टेक्निक बता सकता हूँ, मैं ठंड का कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि हमने -1 और -2 डिग्री में भी स्टंट किए एंड बेचारों ने खुशी खुशी किए। वक्त लग जाता है, काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी मेहनत है इस शो में ये, मतलब जो जब शूटिंग के लिए निकलते हैं टीम उसके पहले करीबन 3 से 4 महीना या 6 महीना पहले काम शुरू करती है। सबसे पहले तो मतलब
जो कलर्स की टीम है, जो टेक्नीशियंस हैं हमारे, एंडेमॉल की टीम है, ये ढूंढना कि कहाँ करना है, कंट्री ढूंढना। कंट्री ढूंढने के बाद में इतने सारे स्टंट्स, यू नो डेली एक स्टंट हम करते हैं, डेली तीन तीन स्टंट्स करते हैं हम लोग, अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा स्टंट्स हो जाते हैं कई बार, ये सारा अरेंज करना। तो ये क्रेडिट एक्चुअली हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको जाता है मुझसे ज़्यादा। एंड में जब मैं आ जाता हूँ तो थोड़ा बहुत ट्वीक करना या थोड़ा सा गाइड करना, यही मेरा काम होता है। बट जो एक 6 महीने के पहले की जो तैयारी है वो एंडेमॉल की टीम और कलर्स की टीम करती है, तो वो क्रेडिट इनको जाता है। और बहुत मेहनत है, जब एडिट होकर आता है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही कूल लगता है ये शो। शो की खासियत ही है कि टेलीविज़न पे बहुत कूल शो है, बट जो स्टंट्स होते हैं उनके अरेंजमेंट और उनके जो उनके पीछे दिमाग लगता है, उनके पीछे जो मेहनत लगती है वो दिनों दिन लगती है। मतलब आपने जो एक स्टंट टेलीविज़न पे जब आप देखें तो हो सकता है 5 मिनट या 3 मिनट या 6 या 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, लेकिन उसकी तैयारी में महीनों लग जाता है। नहीं नहीं, श्रीशांत ने बहुत किया, इनफैक्ट बहुत अच्छा कर रहा था श्रीशांत। बिग बॉस में क्या हो रहा है आई कुडंट सी बिकॉज ऑफ सिम्बा, लेकिन जब हमारे साथ थे तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इस बार अलग कहना क्लीशे होता है, इस बार और क्या बेहतर होगा ये मैं आपको कह सकता हूँ। इस बार और ज़्यादा मतलब स्टंट्स बड़े यूनिक और अलग हैं, बहुत से ऐसे स्टंट हैं जो मैंने भी पहली बार किए या देखे हैं फियर फैक्टर में, खतरों के खिलाड़ी में। वरना कई बार होता है कि कुछ स्टंट्स होते हैं कि आपने देखा या किया है, कई ऐसे नए स्टंट्स हैं, ड्रामा बहुत है इस बार और नया टेरेन है। ऑब्वियसली अर्जेंटीना एक बार पहले भी शूट हुआ है खतरों के खिलाड़ी, बट लोकेशंस नहीं है एंड कंटेस्टेंट्स नए हैं, मस्ती अलग है भारती की वजह से एंड तो सिर्फ एक्शन ही नहीं ह्यूमर भी आपको मिलेगा, लेकिन एक होलसम एंटरटेनमेंट फिल्म जो होती है ना, मसाला फिल्म जिसे कहते हैं, वो इस बार खतरों के खिलाड़ी है। सारे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुतों को मैं जानता हूँ, पुनीत हो गए, आदित्य हो गए, शमिता हो गए, बट उनके स्टंट कैलिबर को मैं नहीं जानता, तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट मेरे लिए भी रहता था डेली के अरे ये शायद नहीं कर पाएगी, और फिर पता लगता था कि ये इस लड़की ने सबसे बेस्ट कर लिया या ये लड़का शायद ये नहीं कर पाएगा और उसने बेस्ट कर लिया। सो सरप्राइज एलिमेंट एवरीडे होता था, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अगले दिन वो नहीं परफॉर्म कर पाता था एक पर्टिकुलर स्टंट, और जिसने नहीं किया वो कोई एक अच्छा स्टंट कर जाए, तो एक मेरे लिए भी एक एवरीडे वॉज लाइक अ सरप्राइज। हाँ उसका रिप्लेसमेंट है जासमिन ओ मतलब निया का रिकॉर्ड ब्रेक किया उसने। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेल बहुत अमेजिंग जर्नी थी, आउटस्टैंडिंग जर्नी थी, मज़ा आया करने में। खतरों के खिलाड़ी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए, किसी के लिए भी, और अच्छा था। स्पेशली वी गॉट टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, रोहित सर भी थे, काफ़ी एंकरेजमेंट मिली रोहित सर, ऑब्वियसली एक्शन डायरेक्टर हैं और उनके सामने एक्शन परफॉर्म करना इट्स अ डिफरेंट लेवल। मेरे लिए यार कीड़े मकोड़ों के साथ खेलना, सांप के साथ खेलना, बिच्छुओं के साथ खेलना, काले चूहे, सफ़ेद चूहे, पीले चूहे, सारे चूहों के साथ खेलना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, बिकॉज मैं दैट वे इज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बट हाँ एक्शन स्टंट्स वॉज समथिंग दैट आई रियली वॉन्टेड टू डू एंड विच आई डिड, तो मज़ा आया वो चीज़ करने में। ये तैयारी मैंने कुछ नहीं की, बिकॉज हर इंसान अभी से ठोक के बोल सकता हूँ, हर एक इंसान पिछला वाला एपिसोड सीज़न ज़रूर देख के आया था, जो सबको मुझे पता था कि हर इंसान देख के आया है। मैंने ऑनेस्टली एक भी पिछला सीज़न नहीं देखा था, हाँ कभी पहले मैं देख चुका था ऑब्वियसली बहुत साल पहले, बट मैं स्पेशली प्रिपेयर नहीं था कि यार अच्छा पिछला सीज़न देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आई वॉन्टेड स्पॉन्टेनियस चीज़ें और विच हैपेंड एंड ठीक है, जो चीज़ सामने आई वो आई। वेल दैट डिपेंड्स एक्चुअली, पुनीत भी स्ट्रॉन्ग था लड़कियों में, रिधिमा भी स्ट्रॉन्ग थी, भारती भी स्ट्रॉन्ग थी, जैस्मिन भी स्ट्रॉन्ग थी, सभी सारे ही स्ट्रॉन्ग थे। मैं ऐसे किसी को नेम नहीं करना चाहता कि यार वीर ऑल इक्वल्स, हम लोग गए वहाँ पे। अब ये है कि जब आप देखें आपको पता लगेगा कौन स्ट्रॉन्ग था, कौन थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा बीच में था, सो जस्ट वेट फॉर दैट। ओके लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस को, क्या कहना चाहेंगे? फैंस को बस इतना ही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग देखिएगा खतरों के खिलाड़ी, इट स्टार्ट्स 5th January ऑनवर्ड्स 9 PM, और प्लीज़ जैसे आपने नामकरण में सराहा है
प्लीज़ इसको भी देखिए और अप्रिशिएट किए और इनक्रेज किए हमें. थैंक यू सो मच. खतरों के खिलाड़ी की जर्नी बहुत अमेजिंग रही, बहुत माइंड ब्लोइंग रही एंड एक्साइटमेंट से बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा. ओके, कितने स्टंट्स थे, क्या करने में सबसे डेंजरस था उसके बारे में? स्टंट सारे ही बहुत डेंजरस थे. आई थिंक हमारे शो में 62 स्टंट्स होते हैं एंड मुझे ऐसा सुनने में आया कि इनके पास पिटारा है स्टंट्स का जो 1000 स्टंट्स है. अब आप खुद सोच सकते हैं कि उन 1000 में से जो वो चुन के निकालते हैं वो कितना ही खतरनाक होगा. तो सारे ही स्टंट बहुत ज़्यादा खतरनाक थे. सबसे ज़्यादा डेंजर कौन सा था जो आपको एकदम लग रहा हो कि हाँ ये मुझसे नहीं होगा? देखिए सारे ही थे. मुझसे नहीं हो पाएगा तो हर एक स्टंट से पहले लगता था, बट हाइट वगैरह से बहुत डर लगता था क्योंकि वहाँ ठंड बहुत थी, माइनस में टेम्परेचर होता था और जब हार्नेस वगैरह पहनते तो जैकेट वैकेट पहन नहीं पाते थे. और अगर तुम एक 40 फ्लोर पे खड़े हो, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ होती थी तो कांप भी रहे हो, स्टंट भी करना और डर का एक शिवरिंग अलग होती है और ठंड की भी मिक्स हो जाती थी. तो बहुत मतलब अमेजिंग, मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था. सारे मैं तो सबका नाम लूँगा यार, क्योंकि ये सब लोग इतनी मेहनत कर रहे थे. तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि अरे ठीक है भारती, अरे उससे तो नहीं हो पाएगा, अरे ये इससे तो नहीं हो पाएगा, बट वो सब इतने ख़तरनाक थे कि मतलब हमें लगा कि हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो लोग कर रहे थे. तो सारे के सारे यार बहुत अमेजिंग, बहुत माइंड ब्लोइंग. कितने स्टंट करने पड़ते थे एक दिन में? एक दिन में हमें 2 स्टंट भी होते थे, कभी कभी 3 स्टंट भी होते थे और 4 स्टंट भी होते थे. तो वो डिपेंड होता था कि कितनी जल्दी कौन से स्टंट खत्म हो जाते हैं उस पैट पे, बट बैक टू बैक 3 स्टंट भी किए हैं. बहुत स्पेशल स्पेशल स्पेशली लोग जो हमारे साथ थे, हमारे सारे कंटेस्टेंट एंड क्रू जितने भी लोग थे सारे अमेजिंग थे. मज़ा आ गया एक एक के साथ एंड जिस हिसाब से उनके साथ बॉन्डिंग हुई हमने बहुत इन्जॉय किया. बट उतनी बुरी हालत हमारी मॉर्निंग में हो जाती थी फिर स्टंट के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग उठ के, बट जब वापस आते थे तो एक दूसरे का साथ होता था तो काफ़ी अच्छा फील होता था कि चलो ठीक है कम से कम अच्छे लोग आसपास हैं, अकेले नहीं बैठने देते, एक दूसरे को बूस्ट करते थे. सो वो बेस्ट पार्ट था. रोहित शेट्टी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आई थिंक मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा. मैं दुनिया में जितने भी काम आगे लाइफ में कर लूँ एंड उनके साथ काम करके मुझे लगता है मैंने एक बहुत अच्छा एक बहुत ही पड़ाव पार कर लिया लाइफ का. एक रोहित सर जैसे इंसान के साथ वो हमेशा एक वो बैक टू कैमरा वाले इंसान है, उनके साथ स्क्रीन शेयर बहुत कम लोग करते हैं, जिन बहुत हर साल किस्मत वाले 11 लोग होते हैं. तो शायद उसमें से एक मैं भी अपने आप को मानता हूँ कि उनके साथ स्क्रीन शेयर किया, उनकी चीज़ें देखी, उनकी बातों में दम है, रियली दम है. व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि गाइज अच्छे से अपना न्यू ईयर मनाइए और न्यू ईयर के बाद ही आपके लिए 5 जनवरी से खतरों के खिलाड़ी सीज़न 9 आ रहा है. हम लोगों ने 45 डेज बहुत मेहनत की है, हमारा डर हमारा रियल साइड आपको देखने को मिल रहा है, एक ऐसा साइड कि जो शायद आपने बहुत कम देखा हो हमें. इतने सालों से आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, 6 सालों से आप हमें टीवी पे देख रहे हैं, बट ये साइड एक डिफरेंट साइड है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है. मज़ा आया, इट वॉज अ केक वॉक. व्हाट इज़ फियर? आई डोंट नो व्हाट फियर इज, सच अ इजी शो. कुछ भी मुझे मेरे चेहरे पे एक पसीने की बूंद तक नहीं आई ये शो करते हुए. मैं मजाक कर रहा हूँ यार, हालत ख़राब हो गई है यार. बहुत मज़ा आया डेफिनेटली, इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस. लेकिन बहुत बैंड बजी है यार, बहुत चोटें लगी हैं, टाके पड़े मुझे आँख में, मेरी आईलिड ही फट गई थी वहाँ पे. और बहुत नए दोस्त बनाए, बहुत सांप मेरे दोस्त हुए, बहुत मेंढक, कॉकरोच, इगुआना. इगुआना करके भी एक चीज़ होती है, पता है आपको? वो आधा आधा छिपकली होता है, आधा डायनासोर होता है, और उसकी वो जो एक जीभ वो बाहर निकालता है तो वो स्प्लिट होके 2 हो जाती है. इन सबसे दोस्ती हुई और कुछ इंसानों से भी दोस्ती हुई जो हमारे बाकी 11 कंटेस्टेंट थे. रोहित सर ने होस्ट किया, बहुत इनक्रेज किया. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. हम क्या है, हम प्रोफेशनल स्टंटमैन तो है नहीं, पहली बार कर रहे हैं सबके सब सारी चीज़ें. तो और यहाँ पे कुछ ऐसे रिहर्सल वियर्सल भी नहीं है, जो है वो है सामने सामने, नो सेकंड चांसेस. सो इज अ गुड एक्सपीरियंस यार, सबको ट्राई करना चाहिए. अगर आपको मौका मिले तो ऐसा एक शो ज़िंदगी में एक बार करना चाहिए.
एक बार से ज़्यादा फिर आप हिम्मत भी नहीं होगी आपकी करने की, लेकिन एक बार डेफिनेटली करना चाहिए। अर्जेंटीना में कैसा एक्सपीरियंस था? मज़ा आया, बहुत ठंड थी, खास करके जब हम बॉम्बे वासी जिनकी विंटर 21 डिग्री में स्वेटर निकलते हैं हमारे, तो उनके लिए जो -1, -2, -3 में स्टंट्स करना ऊपर से वेरी चैलेंजिंग। फिर साथ में जब पानी में डाल देते तो वो पानी -5, -6 हो जाता था, तो और कुल्फी जमती थी हमारी जिगर पे ही नहीं, हर जगह बाकी सब जगहों पे भी ट्रिगर था। और मज़ा आया यार, मतलब इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। रोहित सर के साथ बहुत मज़ा आया, इज़ अ ग्रेट गाय, बहुत इनक्रेज किया रोहित सर ने हमको। ही कम्स फ्रॉम एन एक्शन बैकग्राउंड, उनके पिताजी इतने बड़े स्टंटमैन थे, वो खुद उनकी शुरुआत इसी में हुई थी। अब भी अपनी फिल्मों में आप देखते हैं गाड़ियाँ, हीरो हीरोइन सबको उड़ाते हैं वो, तो हर चीज़ उन्होंने ओवरलुक की है, बहुत ख्याल रखा है हमारा। अर्जेंटीना की जो स्टंट क्रू थी उन्होंने भी बहुत हमारा ख्याल रखा है, यू नो सेफ्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऐसे शो पे, तो इनकी टीम की वजह से, हैंडम ऑल कलर्स की वजह से हम बहुत सेफ फील करते थे। ख़तरा तो था बट कभी ऐसा नहीं लगा कि जान को खतरा है, एक्चुअली लगा यार, बट फिर भी हमने सेफ फील किया, ऐसा लगा कि जो कुछ भी हो जाएगा हम जिंदा पहुंच जाएंगे बॉम्बे, और पहुंच गए, देखिए हम आ गए मुंबई नोवोटेल होटल। जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किसकी सबसे ज़्यादा स्टंट करने में डर लगा? सब डर रहे थे, सबकी हालत ख़राब थी। कुछ ऐसे थे जो मुझे लगा था बहुत जाबाज होंगे बट नहीं थे। हमारे पुनीत भाई बहुत कमाल स्टंट्स करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा यू नो शो में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एक कंपटीशन जो बोलते हैं टफ कंपटीशन दिया है मुझे, और मैंने भी उनको टफ कंपटीशन दिया है, आगे फिर आपको शो देखना पड़ेगा। और सरप्राइज पैकेज जो है भारती, डेफिनेटली भारती, तो मुझे ऐसे ही लगा कि कुछ टाइम पास करेंगी वहाँ पे एक दो हफ्ते, जो कोक मारेंगी हमको हंसाएंगी, बट उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं, उन्होंने बहुत लोगों को यहाँ पर सरप्राइज़ किया है और अपसेट किया है अपने परफॉर्मेंस से। रिधिमा भी थी हमारी कॉलेज की दोस्त है, हम साथ में जाते थे कॉलेज के गेट तक और फिर पिज़्ज़ा हट जाते थे। नहीं बट शी इज़ वेरी गुड यार, उन्होंने इतना कंप्लेन किया पहले, बहुत वो नॉट सो कॉन्फिडेंट थी कि अरे इतनी ठंड है, ये है वो है, देखते देखते काफ़ी आगे तक पहुंच गई रिधिमा जी। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, लंच खाया आपने, ब्रश किया आपने? नहीं, थैंक यू वेरी मच। हम हर साल आप खतरों के खिलाड़ी को, फियर फैक्टर को इतना प्यार देते हैं। 5 जनवरी से हमारा शो शुरू हो रहा है, सैटरडे संडे 9 बजे, प्लीज़ इसे देखिएगा। हम सबके फेवरेट रोहित सर इसे होस्ट कर रहे हैं, बाकी हम सब 12 सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी बैंड बजी है और खून भी निकला है, पसीना भी निकला है, आंसू भी निकले हैं, हंसे भी हैं, रोए भी हैं, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। आई थिंक इट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग शो ऑन टेलीविजन, ऐसा शो इंडियन टेलीविजन पर तो नहीं है, सो डू वॉच इट, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू भाई, मेरी अभी आधी भी थी। ओके रेडी करें अभी। ओके भारती, सबसे पहले तो खतरों के खिलाड़ी की जर्नी की अगर बात करिए। एक सेकंड, यू वांट वाटर? जल्दी आ गया, इसलिए कुछ नहीं कहा। चलिए ओके भारती, कैसे थी खतरों के खिलाड़ी की जर्नी, इसके बारे में बताओ। क्या मैं बोल बहुत प्यारी रही और बहुत डरावनी रही खतरों के खिलाड़ी यार, जो सांप हमने टीवी पे देखे सिर्फ, वो भी भगवान वाले सीरियल में, भगवान जी के गले में, उससे भी 2,500 सांप जब आपके ऊपर, आपके पति के ऊपर डाले जाए तो मतलब मम्मी नहीं, मतलब सारे देश की मम्मियाँ याद आ जाती हैं। बड़ा डरावना एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको आम लाइफ में ये सभी करने को नहीं मिलेगा, गाड़ी में जंप करने को नहीं मिलेगा, पानी में किसी डब्बे में बंद होने को नहीं मिलेगा, या फिर कोई सांप कीड़ा मगरमच्छ पकड़ने को नहीं मिलेगा, ये सब इस शो में करने को मिला है। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जब वो देखेंगे तो बहुत हंसेंगे वो, और हमको बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे। कैसा था अर्जेंटीना में एक्सपीरियंस, और रोहित शेट्टी भी थे तो उनके साथ में काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था? रोहित शेट्टी, मुझे पता नहीं क्यों रोहित शेट्टी से ऐसे प्यार होता जा रहा है, इतने केयरिंग और इतने, वैसे तो कह रहे हैं कि वो स्टंट वाली फिल्में करते हैं, लेकिन अंदर से इतने, मतलब इतना छोटा दिल उनका, इतना प्यार वाला, इतना केयरिंग। मैं तो बिंदास पपियाँ दी हर्ष के सामने,
नई नई शादी हुई थी, लेकिन मैंने बिंदास दी वो पहली पप्पियाँ थी जिसपे हर्ष ने भी तालियाँ बजाई अपने पति ने कि वाह अच्छा करिया तूने। बहुत अच्छे लोग थे जो हमारे साथ कंटेस्टेंट थे, 11 कंटेस्टेंट, और मैं भी बहुत अच्छी थी। सबने मेरी होप्स को बहुत तारीफ़ की होगी जिनका भी आपने इंटरव्यू लिया होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ और सब मेरे फैंस नहीं नहीं सब मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। और मेरे को अगर दोबारा मौका मिले अर्जेंटीना जाने का और खतरों के खिलाड़ी करने का तो मैं ज़रूर करूँगी। और जितने भी मेरे टीवी वाले फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं, भाई ज़रूर करना, बहुत अलग एक्सपीरियंस है, मज़ा आ जाएगा आपको। ओके, सबने कहा कि जैसे भारती एक सरप्राइज पैकेज की तरह हमारे सामने रखी, हमने एक्सपेक्ट किया था, उतने बहुत अच्छे उन्होंने। हाँ, उन्होंने सोचा था कि ये मोटी ये क्या करेगी, लेकिन ये मोटी ने पहाड़ चढ़ दिए वहाँ पर, क्योंकि पैसा जब होता है नहीं नहीं पैसा तो था ही, लेकिन अपनी हिम्मत भी थी, प्यार भी साथ में था, तो मेरे से तो हो गया बस। आपको सरप्राइज पैकेज कौन लगा कि जिसको आपने लगा कि ये नहीं कर पाएगा लेकिन उसने कर दिया? हर्ष, सच में पहले दो स्टंट में जितनी उसने बेइज्जती करवाई ना, बाद में उतने ही झंडे उसके झूले, मतलब खड़े होकर लोग तालियां बजाते थे, ऐसे ऐसे स्टंट कर दिए उसने। सो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होती है एक वाइफ के लिए कि उसका पति बहुत अच्छा करे जब उसके लिए तालियां बजे, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी जब हर स्टंट कर लेता था। ऐसा कोई स्टंट जो आपको करने में काफ़ी डर लगा? मुझे सारे स्टंट करने में बहुत डर लगा, क्लोस्ट्रोफोबिया, क्योंकि मैं अस्थमा पेशेंट हूँ, तो जिसमें बंद कर देते हैं तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल वाली घड़ियाँ थी। तब अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि क्यों किया मैंने शो, ये मैं ये शो क्यों कर रही हूँ। बट एक चीज़ सीखने को मिली है कि एक इंसान में पेशेंस और ताकत बहुत होती है, हम यूज़ ही नहीं करते। वहाँ पे जाके जैसे पुनीत रिधिमा बहुत पेशेंस के साथ बहुत काम होके करते थे, तो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी वो चीज़ कर सकती थी, लेकिन मैं मतलब हाथ पैर मार के अपने मुँह पर मार लिया हाथ पैर। जिगर हमारा था, ट्रिगर रोहित सर का था, कभी भी चला देते थे, पहले स्टंट समझाते थे फिर बोलते थे ये स्टंट करोगी तुम, तब हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं जब आज भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, और मैं बस बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ 5 जनवरी का, जब कलर्स पे ऑन एयर जाए। आपने आज हमारा गाना तो देख ही लिया होगा, हमारी शक्लें हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छा सीज़न है, बहुत कंटेंट है, बहुत स्टोरी है, बहुत ड्रामा है, बहुत स्टंट है, आप देखिएगा मज़ा आ जाएगा। और जितने भी मेरे चाहने वाले मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी पार्टी कीजिए, अपने चाहने वालों को गिफ्ट दीजिए, और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत हेल्दी हो। हैप्पी न्यू ईयर।